सदर हॉल रोड वमॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन इतिफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू की जेरे सदारत हॉल रोड के जोन नंबर 3 और जोन नंबर 5 के ओहदेदारों की शानदार तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद शेरेटन होटल लाहौर में किया गया। तकरीब में इतिफाक ग्रुप हॉल रोड वमॉल रोड के सीनियर ओहदेदारों समेत हॉल रोड के जोन नंबर 3 और जोन नंबर 5 के ओहदेदारान व मेम्बरान की कसीर तादाद तकरीब के मौके पर मौजूद थी। तकरीब के मौके पर ताजिर रहनुमाओं की जानिब से सदर इतफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू के हॉल में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब के मौके पर इतफाक ग्रुप के ओहदेदारों समेत जोन नंबर 3 और 5 के ओहदेदारान हाजी हनीफ यामीन भट शेख जाफर शेख नासिर नसरुल्ला वकील अहमद विकी मलिक आरिफ शेख रफी शेख दाऊद रियाजुल हसन हाफिज आफ्ताब मियाँ अकबर मलिक शफकत आजम हनीफ वासिफ मेराज इमरान मेमन उमर हनीफ अवैस हनीफ जफर इकबाल सुहेल आबिद डॉक्टर वाजिद शेख वकास मलिक आसिम मोहम्मद यासीन कबीर हुसैन समेत इतफाक ग्रुप के मेम्बरान और ओहदेदारान की बड़ी तादाद तकरीब के मौके पर मौजूद थी। तकरीब के मौके पर सदर हॉल रोड व मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन इतफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू की जानिब से नौ मुंतखब ओहदेदारों को यके बाद दीगरे नोटिफिकेशन जारी किए गए। तकरीब के मौके पर सदर हॉल रोड व मॉल रोड हाजी नवाज पप्पू का कहना था कि हॉल रोड की तरक्की और ताजरों की खुशहाली के लिए दिन रात मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। हॉल रोड में इतफाक ग्रुप के ओहदेदारों की जानिब से माजी में तारीखी इकदामात उठाए गए जिसकी बदौलत इतफाक ग्रुप हॉल रोड का मकबूल और नुमाइंदा ग्रुप बन चुका है। ताजरों की खिदमत के लिए हर सतह पर सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। आज हमारा जोन नंबर 5 और जोन नंबर 3 के जितने भी उनकी अलैफ वफादारी है उसके लिए आज हमने ये इवेंट किया है और हमने किसी दूसरे बंदे को नहीं बुलाया जो ओहदेदार नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जगह का मसला फिर एसओपी का मामला है उसकी वजह से तो आपके सामने गैदरिंग है तो मैं तमाम ओहदेदारों को अपनी तरफ से अपने तमाम साथियों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये इतफाक ग्रुप को आगे लेके जाएंगे मेरा साथ देंगे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे मेरे बाजू बनेंगे और इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं जब हॉल रोड का एक ही ग्रुप होगा वो होगा इत्तेफाक। थैंक यू। इत्तेफाक ग्रुप जिंदाबाद। इत्तेफाक ग्रुप जिंदाबाद।